जो पानी कमरे के अंदर घुसता है, जो पानी कमरे के अंदर भर जाता है और उस पानी की यदि निकासी ना हो तो भरा हुआ पानी दीवालों से रिसना प्रारंभ हो जाया करता है। कहते हैं ना कि सीलन आ गई दीवाल पर। ध्यान रखिए, वो जो आदमी परिग्रह से अपने आप को भरते जाता है, वो जब निकासी नहीं होती है तो सारी निकासी शरीर की बीमारी बन करके निकल जाया करती है। ज्यादा आसक्ति, ज्यादा परिग्रह, ज्यादा राग, ध्यान रखना, रिसने लगेगा शरीर से, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा जोड़ कर रखोगे, कोमा में चले जाओगे, नौकर चाकर ऐस करेंगे तुम पड़े रह जा। ज्यादा मत जोड़ो, छोड़ने की ताकत रखो मेरे भाई। वृक्ष फल लुटाते हैं इसलिए उनमें फिर से फल वापिस आ जाया करते हैं। जो लुटाएगा वही लौट करके आएगा। गाय दूध देती है तब फिर उसके स्तन भर जाया करते हैं। गाय दूध ना दे, गाय का दूध ना निकालो तो बेचैन हो जाएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। ध्यान रखना, दूध निकालना पड़ता है। जैसे गाय के दूध को निकालना पड़ता है, वैसे धनपतियों तुम्हारी दौलत को भी हमें निकालना पड़ता है, वरना तुम निकालने को तैयार नहीं हुआ करते हो। ध्यान रख, ये बनियों का पैसा कोई नहीं निकाल सकता। मजाल, सगे बेटे को भी अदालत में ले जाएंगे। ये बाणियों का पैसा तीन लोग निकालते हैं, ध्यान रख। एक तो डॉक्टर ऐसी बीमारी देगा, ले आओ 10 लाख 5 लाख अपोलो, जाओ बेटा ले जाएगा डॉक्टर, करना धरना कुछ नहीं, जाओ ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। पहले के समय वैद्य नाड़ी देख के बताते थे तुम्हें ये बीमारी है, अब डॉक्टर नहीं बताते, मशीन बताती है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, ये सोनोग्राफी, प्लास्टिक, दुनिया भर का करा दिया। लास्ट में डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल, लगा दी आग पूरे पैसों में हमारे। जब नॉर्मल था तो क्यों बर्बाद करा दिए मेरे पैसे भैया। डॉक्टर लोग बड़े मजे में है, बैठे ही क्या यहां पे होंगे दो चार। उनका सिंबल देखना, क्रॉस, रेड क्रॉस, लाल रंग, प्लस। प्लस का मतलब जानते हो, मरीज बचे या जिए, अपन तो समझ आए, मरीज बचे या जिए, अपन हर हाल में प्लस। कभी कभी तो ये होता है मुर्दा धरा रहता है, मशीन सांस ले रही, एक दिन का किराया बढ़े, डॉक्टर हमेशा प्लस में। ध्यान रखना, अंदर अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में बंद, 2 घंटे से सामने वाले वेट कर रहे, क्या हुआ डॉक्टर साहब, चल रहा है, रुको रुको फीस रखो। ध्यान रखिए, तो फीस रखवा ली फिर क्या होता है, सॉरी आई एम, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो कर क्या रही थी तुम भीतर, क्या कर रहे थे तुम भीतर दरवाजे लगा के बेचारे। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, 2-4 तो होते हैं, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अच्छे डॉक्टर भी हैं दुनिया में, नहीं तो सारे डॉक्टर मेरे खिलाफ जाएंगे। अच्छे डॉक्टरों को आशीर्वाद, बुरे डॉक्टर को नोट। विचार करिए, ज्यादा मत जोड़ो, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत से खिलवाड़ मत करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि ज्यादा परिग्रह नरक गति का कारण है। तत्वाद सूत्र में कहा बब्बारम परिगत्व सा नारकस्य विषा, नरक में जाता है वो जीव जो बहुत आरंभ परिग्रह रखता है। महावीर की नजरों में एक हिंसा करने वाला उतना पापी नहीं है, महावीर की नजरों में चोरी करने वाला उतना पापी नहीं है, महावीर की नजरों में झूठ बोलने वाला भी उतना बड़ा पापी नहीं। भगवान महावीर की नजरों में परिग्रह जोड़ने वाला सबसे बड़ा पापी हुआ करता है, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, मूर्छा परिणाम नरक गति के कारण है। ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक पाप। वाह रे हम महावीर के पूजने वाले, बड़ी मजे की बात है।
किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हम उसे अपने पास नहीं बिठाएंगे। हत्यारा है, दूर रहे। पापी है, हिंसक है, मांसाहारी है, दूर रहे हमसे। किसी ने चोरी की तो चोर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। झूठ बोलने वाले पर विश्वास नहीं करते। कामुक व्यक्ति पर हम दूरी बना करके रखते हैं। चार पाप करने वालों से हम बचते हैं। क्या बात है कि पांचवें पाप वालों से दोस्ती करते हैं। विचार करिए, देखना, सोचना। जबकि महावीर कहते हैं सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह है, परिग्रह से बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि परिग्रहों के साथ सबको ही बैठना चाहे। ये कौन है? बड़े आदमी, पैसे वाले। परिग्रह के साथ हम कालर ऊंची करके बैठते हैं। परिग्रही व्यक्ति को माला डलती है, स्वागत होते हैं। और तो और महाराज भी अपनी पिच्छी उसके ऊपर रख दिया करते। विचार करिए, तीखी बात है। परिग्रह का सम्मान क्यों, जबकि वो तो पाप है। महावीर ने उसे सबसे बड़ा पाप बोला है, नरक गति का कारण बोला है। बताओ फिर परिग्रहियों को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं? परिग्रहों का सत्कार क्यों होता है? परिग्रहियों को, एक गरीब है तो पीछे है, अमीर है तो आगे है। तो महावीर कह रहे हैं इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, परिग्रह पांचवा पाप है। तालियां मिलती हैं उसे, मालाएं मिलती हैं उसे, सम्मान मिलता है उसे, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, सम्मान पत्र लटकाए जाते हैं। परिग्रहियों को ध्यान रखना, परिग्रह का इतना स्वागत क्यों? विचार करना है आपको। मालूम है, आप यदि एक परिग्रह की बात कर रहा हूं, परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक। जो तुम्हारा बैंक में पड़ा है वो परिग्रह है, जो घर में उपयोग हो रहा है वो आवश्यकता है, जो जेवर महिला पहनी है वो आवश्यकता है, और जो डायमंड सेट गोल्डन सेट लॉकर में रखे वो परिग्रह है। शरीर के अलावा जो भी है वह परिग्रह है, जितना उपयोग है वो आवश्यकता है। विचार करिए आप, एक रुपया होता है भारत का, उसकी कीमत क्या है? एक रुपये की कीमत क्या है बोलो? 100 पैसे। विकास बाबू, एक रुपये की कीमत 100 पैसे। रविंद्र, सब गलत। मेरी परिभाषा ही अलग है। भारत की जनसंख्या कितनी है ये भी नहीं मालूम? 125 करोड़, 125 करोड़। समझना, मेरी नजरों में एक रुपए की कीमत 100 पैसे नहीं होती है। मेरी नजरों में एक रुपए की कीमत 125 करोड़ रुपए हुआ करती है। ध्यान रखिए, भारत का एक रुपया 125 करोड़ उसकी कीमत है। क्योंकि भारत का एक रुपया, एक सिक्का जब टकसाल से निकलता है और एक हाथ से दूसरे हाथ में और 125 करोड़ के हाथ में जाता है, उसकी कीमत 125 करोड़ रुपए हो जाया करती है। 125 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है वह। 125 करोड़ लोगों के हाथ में जाएगा, 125 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूर्ति करेगा। इसलिए वह एक रुपया जो है उसका 125 करोड़ मूल्य अपने आप हो जाया करता। विचार करना है आपको। ध्यान रखिए, जो सिक्का जो राशि चलन से बाहर हो जाती है वह लोगों को भुखमरी, बेरोजगारी और फुटपाथ पर सोने को मजबूर किया करती है। और इसका जिम्मेदार यदि कोई होता है तो वो धनपति होता है, जो पैसा जोड़ जोड़ करके मर जाया करता है। ध्यान रखिए, यदि हर धनपति अपना पैसा स्टॉक करना बंद कर दे तो भारत से बेरोजगारी रातों रात खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिए, जोड़ जोड़ के नेताओं ने विदेश में रख रखा है, धनपतियों ने घरों में जम कर रखा है। रुकेगा, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए महावीर बड़े गहरे दार्शनिक हुए। महावीर जैसा वैज्ञानिक कोई ना हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हत्यारा तो एक को मारेगा लेकिन गड़ा के रखने वाला हजारों लोगों की मौत में कारण बनता है, सैकड़ों की मौत में कारण बनता है। इसलिए परिग्रह सबसे बड़ा पाप हुआ। सबसे बड़ा पाप है परिग्रह।
एक चोर कितने घर की चोरी करेगा, एक घर की, दो घर की, बैंक लूटेगा, लेकिन तुमने एक रुपया गड़ा रखा है तो 125 करोड़ की अरमानों को दफन कर दिया है, तो सबसे बड़ा पाप ही है। एक सेठ था, बड़ा कंजूस, मक्की चूस, कभी दान पुण्य नहीं करता। एक दिन वो मेरी सभा में आके बैठ गया। कहां बैठा, कंजूसों की जगह तो गेट के पास ही होती है, जूते चप्पल रखे वहां आके बैठ गए। करोड़ों रुपए, अरबों कमाए, सारा मोहल्ला गाली देता कि खट कंजूस, महाराज है तो बड़ा था पैसे वाला, लेकिन जिगर और गुर्दा इतना सा है। हर आदमी का गुर्दा इतना ही होता है, ज्यादा थोड़ी होता है। दिल बड़ा नहीं है, पैसा नहीं निकलता इससे। पूजा करता था, भक्ति करता था, दान नहीं करता था। पीछे बैठा, एक दिन मेरे प्रवचन सुन लिए, ना जाने उस पागल को क्या सूझी, छाती पे पत्थर रख के लोगों ने उंगली कर दी कि हाँ 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 चढ़ा दिया। अब सेठ जी तो फंस गए बुरी तरह, ले ली 1 लाख की बोली, और जैसे ही उसकी बोली हुई कि संचालक ने तोड़ दी कि मुर्गा ज्यादा नहीं फंसेगा, इसको निपटाओ पहले, ये जिंदगी में पहली बार लाख मुख से निकला है, नहीं तो ये तो खाकी खाक वाला है। बोले देख 2-3, पूरे पंडाल ने इतनी जोर से तालियां बजाई, इतनी जोर से जैसे तीर्थंकर का जन्म हो गया हो, इतने खुश हुए, बहुत तालियां बजी। बोला रे भाई आइए सेठ जी आइए, स्टेज पे आए, माला पहनाई। उसने कहा महाराज 1 मिनट माइक दोगे? मैंने कहा दूंगा। बोले आपसे शिकायत है? मैंने कहा करो, परवाह नहीं। बोले महाराज ये बोली मैंने ली नहीं है, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी सभा में भी गरीब और अमीर का भेद रहता है। मैं 8 दिन से प्रवचन में आ रहा हूं, किसी ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा, किसी ने ये नहीं कहा कि सेठ जी वहां क्यों बैठे हो, और आज लाख रुपया दिया और इधर आ गया स्टेज पे, ये माला, ये पगड़ी। अरे तुम्हारा तो धर्म का दरबार है, तुम तो बाबा बैरागी हो, अरे बीतरागी संत, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि आप धनपति को तो पिच्छी लगाते हो, सम्मान देते हो, ये सब तुम्हारे भीतर भी बैठा है ऐसा सेठ। बात तुम्हारी ये कह मैं रहा हूं, तुम कह नहीं पाते हो कि महाराज का हाथ तो पैसे वालों के ऊपर है, महाराज की पिच्छी तो वहीं लगेगी, उसे ही टाइम मिलेगा, उसे ही वक्त मिलेगा, उसे ही वात्सल्य मिलेगा। सेठ ने कहा कि आप भी ये भेदभाव करते, हम तो संसारी लोग हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे, आप सन्यासी हो ना, आपके आगे कोई ना पीछे कोई, फिर धनपतियों के सिर पे हाथ क्यों रखते हो? प्रश्न बहुत अच्छा था, भरी सभा में पूछा। मैंने कहा उत्तर मुझे भी आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो क्या, दुनिया का हर संत धनपतियों का स्वागत तो कराते ही है, दूर से भी दिख जाए आइए साहब, पगड़ी पहनाओ, माला पहनाओ, स्टेज यहां बैठिए। मैंने कहा एक बात बता दे सेठ, पैसा तेरे पास इस बोली के 5 मिनट पहले भी था और पैसा अब भी है। बोल 5 मिनट पहले तुझे कोई देखता नहीं था, तेरी तरफ नजरें नहीं करता था, 5 मिनट में कहानी बदल गई, यही लोग ताली बजाने लगे, यही लोग तेरा स्वागत करने लगे। मैंने कहा सेठ सोच क्यों हो रहा है ये स्वागत, तेरे पास पैसा है इसलिए स्वागत नहीं हो रहा, पैसा तो 5 मिनट पहले भी था, तूने पैसा छोड़ा है इसलिए तेरा स्वागत हो रहा है। ध्यान रखिए, पैसा रखने का स्वागत थोड़ी है, तूने जिंदगी में पहली बार त्याग का भाव बनाया है, और संत की सभा में यदि स्वागत होता है तो तुम्हारी भरी हुई तिजोरियों का नहीं होता,
तिजोड़ियां जो परोपकार में लगती हैं उसमें संत की सभा का स्वागत होता। यदि ये नहीं देता तो तेरा स्वागत नहीं होता। त्याग से स्वागत हुआ है। मैंने कहा सेठ लाख रुपए छोड़ा है तो यहां बिठा दिया, अरे पूरा छोड़ तुझे वहां बिठाने की ताकत रखता। महावीर का दर्शन, महावीर का चिंतन, महावीर की सोच कि पूरा छोड़ दे, तन के कपड़े भी छोड़ दे, यहां बिठाने की बात तो छोड़। महावीर कहते हैं कि सिद्धालय तेरा इंतजार कर रहा है, ये परिग्रह छोड़, मोक्ष तेरा इंतजार कर रहा है, और अभी तू जिस पैसे को जोड़ता है जा पहले मोक्ष में जाकर रह, सारी दुनिया अपनी झोली तेरे सामने फैला देगी। क्या कौन कहता है कि परिग्रह का सम्मान है? परिग्रह का कोई सम्मान करता है? सम्मान तो अपरिग्रह का। आज तेरी जिंदगी में 1,00,000 अपरिग्रह की भावना जगी, उस अपरिग्रह ने तुझे माला पहनवा दी। ध्यान रख, एक साधु था, उसके साथ एक नया नया सन्यासी बन गया जोगी। एक दिन कमरे में बैठकर नोट गिन रहा है, दान दक्षिणा ली 11,000, 20,000, 25,000। वृद्ध साधु को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि तू पागल है क्या? जिस दौलत को हम लात मार के आए हैं उसे तू कमरे में गिनता है? लोगों की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नोट अपने पास रखता है? अरे छोड़ दे पागल, तेरा सन्यास का रास्ता है। जानते हो, उस युवा सन्यासी ने कहा कि बाबा जी ये प्रवचनबाजी स्टेज पे ही करना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो बोले बाप आप तो तू छोड़ आया। बोले टका हरता टका करता टका मोक्ष प्रदायकम, बिना टका के तो मोक्ष भी नहीं मिलता है। बाबा कल की रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, तुम बूढ़े हो मैं जवान हूं, मैं आज की दुनिया को जानता हूं, पैसा बहुत जरूरी है। बूढ़े ने कहा चलो छोड़ो, दुष्ट बुद्धि का है, एक दिन संभल जाएगा, छोड़ो, अवसर दिया, कोई बात नहीं। एक दिन बूढ़ा सन्यासी और जवान सन्यासी जंगल से गुजर रहे थे, रात घिरने को आई, सांझ ढलने लगी, गोधूली की वेला। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि रात बहुत हो रही है, ये नाव वाला चला रहा है नाव, पूछ उससे हमें उस पार कराएगा क्या? उसने कहा अभी पूछता हूं। दौड़ा दौड़ा युवा सन्यासी गया, बोले माल नाविक क्या हमें उस पार पहुंचाएगा? नाविक ने कहा सुबह से आज किसका मुंह देखा मैंने, बोहनी बट्टा तो हुई नहीं, और शाम को घर जाने का समय है, ये बाबा बैरागी अक्खड़ पक्कड़ इनके पास होगा क्या? चलो चलो मैं नहीं कराता नाव पार। युवा सन्यासी ने कहा क्या चाहिए? बोले उतरवाई लगेगी। बोले देंगे। मल्लाय की आंखें पड़ गई कि बाबा कहां से देगा? बोले देंगे, हैं हमारे पास। तो उसने कहा बैठो, दोनों को बिठाया, उस पार पहुंचाया। युवा सन्यासी ने झोली में से नोट निकाले, बूढ़े को दिखाए, कह रहे थे ना कि पैसा कुछ नहीं होता, लो दिखा के चमचमाते लहराते नोट दिखाए, उसे दिए, उस पार चले। थोड़ी दूर चले कि युवा ने कहा बाबा आ गई अकल ठिकाने, कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये पैसे नहीं होते तो आज हमारी नाव इस पार नहीं लगाता, सारी रात ठंड में गुजारना पड़ती। बूढ़ा सन्यासी जोरों से हंसा ठाके लगाकर बोले पागल तू अभी भी नहीं समझा। बोले इसमें क्या समझना, तुम्हारी बात मान लेता पैसा नहीं रखता इस पार नाव कैसे आती? बूढ़े ने कहा अभी भी नहीं समझा, कैसा बाबला हुआ है तू? बोले क्या मतलब? बोले जो 20 रुपए तूने उसे दिए हैं, यदि 20 रुपए दबा के रखता तो नाव पार कभी ना होती, 20 रुपए छोड़ दिए इसलिए तेरी नाव इस पार आई। एक बात ध्यान रख, रुपयों को रखने से नैया पार नहीं हुई, बल्कि रुपये को गांठ में निकाल कर त्याग करने से नाव पार हुई। अरे पागल पूरे फेंक दे, नदी की क्या बात, संसार से भी पार हो जाएगा। ध्यान रखिए, कौन पार, क्या सोचते हो?
किसी ट्रेन में बैठना कि मैं करोड़पति हूं तो टिकट नहीं लेगा। ध्यान रखना, गरीब भी ट्रेन से सफर तभी कर सकता है जब वो पैसा दान करता है, और अमीर भी प्लेन से सफर तभी कर सकता है जब वो पैसा पैसों ने कुछ नहीं किया, जो मिलता है दुनिया में वो त्याग से मिला करता है। एक बात याद रखना, जो पेड़ अपने फलों को लुटाते हैं उनमें फिर से फल आ जाते हैं, वह खड़े रहते हैं सदियों। आम का पेड़ सदियों खड़ा रहता है, नीम के पेड़ सदियों खड़े रहते हैं, और जो पेड़ अपने फलों को छुपाते हैं, ध्यान रखना दो तरह की वनस्पति होती है, एक वह है जो लुटाती है और एक वह है जो छिपाती है। जो लुटाती है उनमें लौट लौट कर फल आते हैं, और जो वनस्पति अपने फलों को छिपाती है, छिपाने वाली वनस्पति जमीकंद आलू को छिपा के रखती है धरती के भीतर, प्याज को छिपा के रखती है, लहसुन को छिपा के रखती है, गाजर मूली छिपा के रखती है। जो फलों को छिपाते हैं वो जग से उखाड़े जाते हैं, और जो फलों को लुटाते हैं वो सदियों जीवन का आनंद मना। जड़ से उखड़ती है वनस्पति, आलू जड़ से उखड़ेगा, ध्यान रखना प्याज जड़ से उखड़ेगी, लहसुन जड़ से उखड़ेगी, क्योंकि इनकी जोड़ने की प्रवृत्ति है, और आम जड़ से कभी नहीं उखड़ता, उसकी छोड़ने की प्रवृत्ति हुआ करती है। ध्यान रखिए, कमाना बुरा नहीं, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का काम, सब पुण्य पाप का खेल है। चामुंडराय यदि अपनी दौलत से गोमते सर बाहुबली की स्थापना ना करते तो अरबों की संपदा के बाद भी इतिहास में उनका नाम अमर ना होता। लेकिन जब चामुंडराय 57 फीट की मूर्ति स्थापित दक्षिण में कर देते हैं तो सारा युग से सातवां अजूबा कह करके पूजा करता है। चामुंडराय का दानव धन वही है, जोड़ने का नाम धन नहीं, जो धन छोड़ा है हकीकत में वही धन हुआ करता है। जो जोड़ के रखता है वह मिट्टी है, और जो छोड़ा जाता है वो सोना हो जाया करता है। ध्यान रखिए, उत्तम त्याग, त्याग का दिन है आज, दान के गुण गाएंगे। त्याग और दान में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। त्याग का दिन है और दान के गुण गा रहे हैं। औषधि शास्त्र अभय आहारा, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, अभी पूजा में पड़ा होगा। और दान के गुण गा रहे, धर्म है त्याग का। त्याग और दान में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। दान दो के बीच होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में दो की जरूरत नहीं पड़ती है, त्याग कोई लेने वाला हो या ना हो, त्याग दिया तो त्याग दिया। दान पराधीन है, जब तक लेने वाला ना मिले दान कैसे करोगे आप, देने वाला ना मिले तब भी दान नहीं होगा। लेकिन त्याग स्वाधीन हुआ करता है, उसमें दो की जरूरत नहीं पड़ती। दानी को परिग्रही होना जरूरी है, त्यागी को परिग्रही होना जरूरी नहीं है। जब हो गई नहीं तो दोगे क्या, दानी को जोड़ना जरूरी है, और त्यागी को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दान थोड़ा सा दिया जाता है अपनी कमाई हुई दौलत का, और त्याग थोड़ा नहीं, त्याग पूरा का पूरा कर दिया जाता है। दान में देने के बाद कुछ बचाया जाता है, त्याग में कुछ नहीं बचाया जाता, त्याग में तो छोड़े ही छोड़ा जाता है। दान में यह देखा जाता है कि कितना छोड़ रहे हो, और त्याग में यह देखा जाता है कितना बचा रहे हो। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर हुआ करता है मेरे भाई। एक बार विचार करना, दान अच्छी चीजों का होता है, त्याग खोटी चीजों का होता है। दान तो अच्छी चीजें दी जाती हैं, त्याग खोटी। दो तीन चीज हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका दान होता है त्याग नहीं हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग होता है लेकिन दान नहीं हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग भी होता है और दान भी होता है। ध्यान रखिए।